हेलो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन नॉलेज टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी? मैं हूं आपका साथी देवपाल, स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। एजुकेशन नॉलेज टीवी हर रोज़ आपको जॉब से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड वीडियो दिखाता है, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिस सबसे पहले आपको मिल सके। आपको बता दें, हरियाणा में नियम 134 के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के लिए पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, अब दूसरी लिस्ट का सभी को इंतज़ार है। तो वो किस दिन आएगी, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। निजी स्कूल संचालकों ने की आयुक्ति से मुलाकात। जो निजी स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल है, उनके जो संचालक है, उन सभी ने आयुक्ति से मुलाकात की। आपको दिखा देते पूरी अपडेट। जागरण अखबार में प्रकाशित की गई है रिपोर्ट है, रेवाड़ी प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन, रेवाड़ी और गुरुग्राम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुग्राम के आयुक्त महोदय साहिन से मुलाकात की। ठीक है, प्रतिनिधित्व ने आयुक्त के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। रेवाड़ी प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन प्रधान डॉक्टर सूर्य कमल ने 3 मई की घटना की जानकारी देने के साथ मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन पत्र सौंपा। ठीक है, डॉक्टर सूर्य कमल ने बताया कि आयुक्त ने उनकी समस्या गंभीरता से सुनते हुए समाधान करने के लिए माध्यमिक शिक्षा निर्देश के समक्ष पक्ष रखने का आश्वासन दिया। उन्होंने शिक्षा नियम 134 की पिछली बकाया प्रतिवृत्ति के बिल मांगने के बावजूद भुगतान नहीं होने पर नाराजगी जताई। शिक्षकों ने बताया कि उपरोक्त आधार पर एसोसिएशन सभी स्कूलों में 134A के प्रवेश देना शुरू करेंगे। सभी स्कूलों संचालकों, अध्यापकों और अभिभावकों ने लोकसभा चुनाव में 100% मतदान कर लोकसभा को मजबूत करने का आह्वान किया। इस मौके पर गुरुग्राम से डॉक्टर श्याम सिंह चौहान, डॉक्टर सतीश यादव पार्षद, अमित यादव, श्याम सिंह नाड़, बाबूलाल निर्मल, कौशिक शिवचरण यादव उपस्थित रहे। तो यह अखबार में प्रकाशित की गई खबर थी। आपको बता दें, प्रथम लिस्ट में अभी तक जिन जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हुआ है वो अपना एडमिशन करवा ले कल से, और जो दूसरी लिस्ट है वो 17 मई के बाद, ठीक है, आउट की जाएगी। और उसके बाद आपको सभी को जिन जिन स्टूडेंट इसमें पास होंगे उनको स्कूल अलॉटमेंट करवा दिए जाएंगे, तो आप एडमिशन ले लीजिएगा। जो भी नियम 134 के तहत हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों में क्वालिफाई किए हैं वो सभी अपने अपना एडमिशन करवा लीजिएगा। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, हम आपका हर डाउट क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह वीडियो अपनी यहाँ तक देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।